करते हैं, आप भी अपनी कॉपी और किताब लेकर बैठे। हम पढ़ रहे कक्षा 12वीं का राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान में पढ़ रहे हैं पाठ 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इसके हम आज पढ़ेंगे प्रश्न उत्तर। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था पर्यावरण क्या है, पर्यावरण के बढ़ने के कारण और पर्यावरण को कैसे रोक सकते हैं, उन पर्यावरण को रोकने के उपाय पढ़े थे। आज हम सबसे पहले देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला है कि निम्न में से किस दशक में पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा था। ऑप्शन है पहला 1960, दूसरा 1970, तीसरा है 1980 और चौथा है 2000। तो इसका उत्तर है कि 1960 में पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा। प्रश्न दूसरा है 1992 के किस विश्व स्तरीय सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के प्रमुख मुद्दों में सम्मिलित किया था। तो इसका उत्तर है रियो पृथ्वी सम्मेलन। रियो पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के प्रमुख मुद्दों में शामिल किया। फिर है प्रश्न तीसरा, रियो डी जेनेरियो निम्न में से किस देश का एक शहर है। ऑप्शन है पहला ब्राजील, दूसरा स्पेन, तीसरा जापान और चौथा फ्रांस। तो इसका उत्तर है ब्राजील। रियो डी जेनेरियो ब्राजील देश का एक शहर है। अब है प्रश्न चौथा कि रियो पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 50, 120, 170 या 192। इसका सही उत्तर है 170 की पृथ्वी सम्मेलन में लगभग 170 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अब है कि निम्न में से किस वर्ष मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ था। ऑप्शन है 1987, 1991, 1992 और 1959। इसका सही उत्तर है 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ था। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पर्यावरण दिवस खाली स्थान को मनाया जाता है। इसका उत्तर है 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, 5 जून। अब है दूसरा, सुंदरलाल बहुगुणा खालिस्तान आंदोलन के प्रबल समर्थक थे। ये आप लोगों ने 9वीं में 10वीं में सब में पढ़ा है कि सुंदरलाल बहुगुणा ने कौन सा आंदोलन चलाया था। तो इन्होंने चलाया था चिपको आंदोलन, जो पर्यावरण को बचाने के लिए था और जिसमें वहां की महिलाएं पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो गई। फिर है तीसरा प्रश्न कि पृथ्वी सम्मेलन खाली स्थान से जुड़े विषय से संबंधित था। तो पृथ्वी सम्मेलन काय से संबंधित था, पर्यावरण से। पृथ्वी सम्मेलन पर्यावरण से जुड़े विषय से संबंधित था। फिर जैसे जैसे आर्थिक विकास होगा, पर्यावरण में खाली स्थान की प्रक्रिया भी बढ़ेगी। तो पर्यावरण में प्रदूषण की प्रक्रिया भी बढ़ेगी कब, जैसे जैसे आर्थिक विकास होगा। फिर है चिपको आंदोलन के समान दक्षिण भारत में खालिस्तान आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसका उत्तर है चिपको आंदोलन चालू हुआ। अब है चमोली के रैनी गांव की खालिस्तान में पेड़ों से चिपक कर आंदोलन शुरू किया था। ये महिला थी जिन्होंने चिपको आंदोलन शुरू किया था, इनका नाम था गौरी देवी, गौरा देवी। गौरा देवी ने चमोली के
गांव में चिपको आंदोलन शुरू किया था। अब हम किसी ने सत्य असत्य देखेंगे। पहला है चमोली की चंपा देवी चिपको आंदोलन की प्रणेता थी, तो ये है असत्य। फिर है दूसरा, पेड़ कटाई रोकने हेतु चिपको आंदोलन चलाया गया था, यह सत्य है। फिर है प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता, अभी हमने यही सब पढ़े हैं विकल्पी प्रश्न में, ये भी सत्य है। वर्तमान में मेघा पाटकर पर्यावरण सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, यह भी सत्य है। नर्मदा बचाओ मिशन में मेघा पाटकर अपना योगदान भी दे रही है और पर्यावरण सुरक्षा पर विचार हेतु प्रथम विश्व पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में बुलाया गया था, ये भी सत्य है। आगे देखते हैं कि पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकारों का क्या कारण है और निम्नलिखित में से सबसे बेहतर विकल्प चुने। इसमें 4 दिए हैं। पहला है विकसित देश प्रकृति की रक्षा को लेकर चिंतित है। दूसरा, पर्यावरण की सुरक्षा मूलवासी लोगों और प्राकृतिक पर्यावासी के लिए जरूरी है। और तीसरा है मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान हुआ है और यह नुकसान खतरे की हद तक पहुंच गया। और लास्ट ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बेहतर विकल्प इनमें से क्या है कि मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान हुआ है और यह नुकसान खतरे की हद तक पहुंच गया। फिर ऐसी में प्रश्न की निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक के आगे सही या गलत का चिन्ह लगाए और ये कथन पृथ्वी सम्मेलन के बारे में है। तो पहला है कि इसमें 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन और अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया था, तो ये क्या है, ये सही है। लगभग इसमें 170 देशों ने भाग लिया था। यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में शुरू हुआ, यह भी सही है। फिर है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों ने पहली बार राजनीतिक धरातल पर ठोस आकार ग्रहण किया, सही। और यह महासम्मेलनी बैठक की यह है गलत। अब हम एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर कि किस दशक में पर्यावरण मसले ने जोर पकड़ा था, अभी हमने देखा था 1960 में। फिर है रियो डी जेनेरियो किस देश के शहर का नाम है, ये है ब्राजील देश का शहर है रियो डी जेनेरियो। फिर है प्रश्न की पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है, तो यह 170 देशों के प्रतिनिधियों ने पृथ्वी सम्मेलन में भाग लिया। फिर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का समझौता कब हुआ, सन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का समझौता हुआ। पर्यावरण दिवस अभी हम 2 बार पढ़ चुके, कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन से संबंधित चिपको शब्द का क्या अर्थ है, चिपको शब्द का अर्थ पेड़ पर चिपक कर खड़ी महिलाओं के प्रदर्शन से है, जिन्होंने पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया था। फिर पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या है, तो यह परिवेश जो जीव मंडल को चारों ओर से घेरे हुए पर्यावरण कहलाता है। हमने आपको पिछली क्लास में बताया है कि पर्यावरण शब्द परि
और आवरण दो शब्दों से मिलकर बना है पर्यावरण, जिसमें कि वह चारों ओर से घेरे हुए है जीवमंडल को। प्रश्न की पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ। फिर है चिपको आंदोलन किस घटना से शुरू हुआ? तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चामोली गांव से अंगूर प्रजाति को वृक्षों के काटने के प्रयास के विरोध में शुरू हुआ। उत्तराखंड के चामोली गांव में जहां अंगूर के वृक्ष लगे थे, वहां पर किसी कंपनी ने वहां के वृक्षों को काटकर अपना कुछ उद्योग लगाना चाहते, तो वहां पर जो महिलाएं थी, जो परिवार थे, उनकी आजीविका का साधन वही वृक्ष थे, उन्हीं के माध्यम से अपना वो जीविकोपार्जन करते थे। इसीलिए उन्होंने पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे वहां की महिलाएं कि अगर आप पेड़ों को काटोगे तो साथ साथ हमको भी काट दो। अब हम इसमें आगे देखेंगे। प्रश्न है यूनेप का क्या मतलब है? तो यूनेप का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण क्या? इसके अंतर्गत अनेक राष्ट्रीय संगठनों ने पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर सम्मेलन कराया। यूएनईपी यूनेप क्या है? तो यह पर्यावरण का संयुक्त राष्ट्र का एक कार्यक्रम है और इसमें बहुत से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पर्यावरण और उससे जुड़ी समस्याएं जो है उन पर सम्मेलन कराया था। फिर है प्रश्न की लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक किसने लिखी थी? तो वैश्विक मामलों से सरोकार रखने वाले समूह क्लब ऑफ रोम ने 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक लिखी थी। कब लिखी थी? 1972 में। किसने लिखी थी? एक समूह क्लब ऑफ रोम ने लिखी थी। फिर है प्रश्न की स्टॉकहोम सम्मेलन क्या है? उत्तर है कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सबसे पहला और महत्वपूर्ण सम्मेलन जून 1971 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित हुआ। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में किया गया। फिर है प्रश्न कि पृथ्वी सम्मेलन क्या? तो पृथ्वी सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन के पश्चात पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण सम्मेलन 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ और इस सम्मेलन में विश्व के 170 देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय पर्यावरण संरक्षण एवं संतुलित विकास था। अब है प्रश्न कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है? अभी आप लोग बहुत सुन रहे होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। उत्तर देखें इसका, औद्योगिक क्रांति के बाद जिस तरह से प्रकृति का दोहन हो रहा है उसमें वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही। इसके अलावा ग्रीन हाउस जैसे गैस हो गई, मीथेन गैसों का भी खूब उत्सर्जन हुआ है और तापमान बढ़ता जा रहा है। ओजोन परत में छेद दोनों ही गर्म होती धरती और ग्रीन हाउस का परिणाम। तापमान बढ़ने से हिमखंड और ग्लेशियर पिघल रहे हैं जिसके कारण समुद्र के किनारे वाले क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग से पिछले पिघलते ग्लेशियर मालदीव और बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। अब हम देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव क्या है। तो इसके प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण रेगिस्तानों की संख्या बढ़ती जा रही है और करीब 110 देशों में रेगिस्तान
110 देशों में रेगिस्तान फैल चुका है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। दूसरा है कि प्रवासी पक्षियों के स्थान पर परिवर्तन समय में भी बदलाव आने लगा है। फिर है पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली करीब 70,000 प्रजातियां लुप्त हो गई हैं। इतनी लगभग लगभग 70 प्रजातियां लुप्त हो गई और विश्व के कई बड़े शहर जो समुद्र के किनारे हैं वह डूब गए। फिर इसका पांचवा प्रभाव कि पर्यावरण बदलाव के कारण वर्षा की कमी, बाढ़ और स्वच्छ पानी की कमी हो गई है। बच्चों आप इनको बहुत अच्छे से कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे।